हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है डे टू फुकेट में और मैंने कल रात को मोबाइल से सारी अपने कैमरे से सारी मोबाइल में ट्रांसफ़र करी पहले वीडियोस, और फिर मेरे को पता नहीं कब नींद आई, मैं इतना थक गया था। और सुबह सुबह उठ के गए, 5 बजे उठ के मैंने व्लॉग बनाया क्योंकि मेरा उदयपुर का व्लॉग आज तक नहीं बना। तो यहाँ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ कि हाथों हाथ व्लॉग बना लूँ। और मुझे सही बताऊँ तो अगर मैं उदयपुर का व्लॉग अगर मैं बैठूँ और वो करूँ तो मुझे इवेंट्स याद भी नहीं है कब कहाँ होंगे, तो फ्रेश इवेंट्स रहें तो अच्छा रहता है। तो मैंने सुबह सुबह उठ के व्लॉग एडिट करा और अभी अपलोड करूँगा। आप लोग बताना कैसा लगा डे वन का व्लॉग, और डे टू आज है। आज भी मैं ट्राई करूँगा पूरा व्लॉग बनाने का। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम पे। आज हमारी ट्रिप है स्पीड बोट से, जो कि हम फीफी आइलैंड और जितने भी आइलैंड है वो सारे आइलैंड हम स्पीड बोट से कवर करेंगे, और लंच भी हमारा वहीं पे है। तो देखते हैं कितना मज़ा आया। आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा, और आप लोगों की रिक्वेस्ट कई लोगों ने मुझसे की थी ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ ही दिया था कि ऑलमोस्ट उसमें एडिट वेडिट करने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता। और बाकी आपको दिखाता हूँ, हम लोग हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। 6:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे बंदा आएगा हमें पिकअप करेगा और स्पीड बोट पे ड्रॉप करेगा, और फिर उसके बाद विधि तैयार हो रही है। तो मैंने सोचा एक चीज़ आपसे शेयर करूँ, एक ऐप है ग्रैब करके, जब भी आप थाईलैंड आए तो ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लें, और आप अगर थाई लोकल नंबर लेंगे तो आप उसमें रजिस्टर भी कर पाएंगे। जैसे कि मैंने 7-Eleven से लोकल नंबर ले लिया था, यहाँ पे 7-Eleven में लोकल नंबर्स मिलते हैं। कभी भी आप आएँ तो एयरपोर्ट में लोकल नंबर मत लीजिए, 7-Eleven से लीजिए, आपको हाफ द प्राइस में मिल जाएगा। और यहाँ पे इंटरनेट बहुत चीप है, 5G इंटरनेट आपको, मतलब आप सिम लेंगे तो अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है आपको, ऐसा नहीं कि 1GB 1.5GB मिल रहा है, और बहुत ही फास्ट। और तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रैब ऐप अपना डाउनलोड कीजिए, आपको जैसा खाना चाहिए वेगन। कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो मैंने फिर लास्ट में मार्गरेटा पिज़्ज़ा ग्रैब ऐप से मंगाया था, और जो कि मैं व्लॉग में नहीं शूट करा क्योंकि बैटरी भी डाउन थी और मेरी खुद की बैटरी डाउन थी। तो आप लोग ग्रैब ऐप डाउनलोड करें, और जब भी यहाँ आए तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह सब चीज़ मिल सकती है गाइस। यहाँ पे मैं कल देख रहा था तो मुझे इवन छोले भटूरे भी मिल रहे थे। सो इट्स अ वेरी गुड ऐप। अगर कभी भी आप लोग थाईलैंड आए तो ग्रैब ऐप डाउनलोड करिए थाईलैंड का लोकल नंबर लेके। और सबसे अच्छी बात, उसमें डिलीवरी में कॉल नहीं करता डिलीवरी पार्टनर, आपको चैट करता है, और चैट में आपको ट्रांसलेशन भी का ऑप्शन भी आता है, तो आप ट्रांसलेट भी देख सकते हैं। इवन आप इंग्लिश में टाइप करेंगे उसको भी ट्रांसलेशन का वो आएगा, ऑप्शन आएगा, वो भी देख सकता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग ऐप, मज़ा आ गया। और कल पिज़्ज़ा खाया और मस्त अपना आराम से वीडियो ट्रांसफर कर दिया, जिसमें आपको बताया मुझे पता भी नहीं चला कब नींद आई। चलिए ब्लॉग में बनी रहिए। तो गाइस ये हमारा होटल का रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, तो ये ब्रेकफास्ट मिला है, पता नहीं क्या क्या होगा इसमें। और बाकी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधा निकलेंगे, हमें कैब ड्राइवर आएगा पिकअप करेगा, और फिर निकलेंगे स्पीड बोट राइड के लिए और जो जितने भी आइलैंड्स हैं उनके लिए। और अभी विधि सेलेक्ट करके देखते हैं क्या खाते हैं, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता वेज में। ब्रेकफास्ट ऑप्शन में काफ़ी मुझे ब्रेड टोस्ट कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मिल गए, तो अभी यहाँ से खा के सीधा निकलेंगे, और मैं दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट आने दो कि ब्रेकफास्ट खाने लायक है कि नहीं है, ये तो बाहर देखेंगे। तो भाई ब्रेकफास्ट आ गया है, ये देखो यहाँ पे ये ब्लॉगिंग चल रही है साइड बाई साइड, और एडिट चल रही है, और ये ब्रेकफास्ट है, और जल्दी से खा के चल। तो गाइस हमें ये लोग लेने आ गए हैं, और हम लोग फिफी आइलैंड के लिए जा रहे हैं। यहाँ से कैब है, और कैब से सीधा हम जाएंगे। ओनली वी आर देयर वी टू टू ओके ओके बताऊँ ओके ओके। तो हम लोग बैठ गए इस कैब में, हम लोग जाएंगे, और ये देखिए व्हाट इज दिस, ओके 4 पीपल, ओके 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 थैंक यू। तो अभी बैठ गए, और अपडेट दूंगा थोड़ी देर बाद आपको कि कहाँ से बोट शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, क्या क्या करते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठे हैं, और ये 4 जनों को यहाँ से और उठाएगा, पता नहीं कौन सा होटल है वहाँ पे आए हैं, और जो है फिर हम लोग जाएंगे सीधा बीच में। हाय गाइस, तो मैं और विधि पहुंच गए हैं यहाँ पे जहाँ से हमें स्पीड बोट राइड करनी है, और व्यू देखिए भाई गजब व्यू है। हाय मॉर्निंग,
व्यू देखिए गाइस, यहीं से हमें सारे आइलैंड विजिट करने हैं। फीफी आइलैंड भी आज हम यहीं से विजिट करेंगे। फॉर्म भरा इंश्योरेंस फॉर्म, क्योंकि बोट में जाने से पहले ही है। अभी हमारा जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट होगा, ये ब्रेकफास्ट रेडी है, और इसके बाद हम बोट में जाके सीधा जाएंगे। और जो फोर आइलैंड, फीफी आइलैंड और बाकी हमें सबको बैंड मिल चुका है, किसी को भी बैंड मिला है। और इस जगह का नाम है लव अंडमान, और यहाँ पे इनके काफ़ी सारे आप देख सकते हैं जो चीज़ें आप खरीद सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी क्लोथिंग, हैट्स वगैरह। और ये पीछे आप देख सकते हैं, ये रही हमारी स्पीड बोट, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट सब हैम्स वगैरह, नॉनवेज, ट्यूना, ये सब है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा, बट हाँ मैं कुकीज़ ले सकता हूँ, तो कुकीज़ मैं खा सकता हूँ, तो कुकीज़ खाते हैं। तो वैसे ये यहाँ पे टैबलेट होती है सी सिकनेस के लिए, और मैं तो ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी से ही अजीब सा लग रहा है। वैसे मुझे सी सिकनेस नहीं है, बट मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था, तो शायद मुझे थोड़ा सा कैब में वॉमिट जैसा लगा, बट मैं ये खाता हूँ। और ये महारानी भी खा चुकी है, बस वेट कर रहे हैं, मौसम भी अच्छा है एंड होपफुली सब बढ़िया रहेगा। गुड मॉर्निंग, सो दोस्तों, जो अभी आपने वीडियो देखी वो हमारा कैप्टन है उहू, और वही हमें सारे आइलैंड की ट्रिप करा रहा है। चार आइलैंड आज इस बारी हम कवर करेंगे, जिसमें कि फीफी आइलैंड है और भी दो तीन आइलैंड बताएं, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहे। जब जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सुबह से शाम तक पूरी वो होगी बोट राइड, और मतलब बीच में रुकेंगे, 41 आवर का ब्रेक है। Yeah, we'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no, our days will never end. Yeah, no. So, we are on the speedboat. We are sitting. You are sitting. I am 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 sitting. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this I'm not afraid to die.
आइलैंड आप देख सकते हैं, ये स्नॉकलिंग पॉइंट है जहाँ पे सब लोग स्नॉकलिंग करते हैं। और देखिए गाइस कितना प्यारा है। गाइस सही बताऊँ तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं करा, आई जस्ट वॉन्ट टू कैप्चर द मोमेंट, और वो मैंने करा भी, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी, बट इट्स रियली अमेजिंग और मैं चाहता हूँ मेमोरीज में हमेशा रहे। ये देखिए ये पूरा स्नॉकलिंग पॉइंट और क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम फिशेज वगैरह भी दिख रही हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ स्नॉकलिंग करने। हे गाइस फाइनली वी लैंडेड हेयर फॉर द लंच। अभी हम लोग फीफी डॉन करके एक आइलैंड है वहाँ पे हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग की सोवेनियर्स वगैरह लेने गए, तो मैंने कुछ सोवेनियर्स लिए हैं यहाँ से। बाकी हमारा प्लान बैंकॉक से लेने का है, और कल भी हम लोग फुकेट सिटी एक्सप्लोर करेंगे, कल हमारा यहाँ पे लास्ट डे। तो हम अभी पीछे आप देख सकते हैं लंच किया है और सोवेनियर ले रहे हैं, और अभी यहाँ पे 1 बज रहे हैं और 1 बजे तक हम फीफी आइलैंड तो पूरा घूम चुके हैं। बहुत ही मज़ा आया, स्नॉर्कलिंग करी और बहुत ही सुंदर व्यू था, बिल्कुल भी फ़ोन चलाने का मन नहीं कर रहा था। अभी हम एक और आइलैंड जाएंगे, 2 आइलैंड और हैं, 2 आइलैंड जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई। पीछे देखिए कितना बहुत मजा आ रहा है। देखिए ये हमारा कैप्टन है जो बोल रहा है। देखिए बहुत स्पीड चल रही है, तो हमें ये सब करने की एक रेनकोट टाइप दे दिया है, और बहुत ज़्यादा तेज हमने पहन लिया रेनकोट पूरा, बहुत बहुत बैम्बू आइलैंड में है। और यहाँ पे बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हमें रेनकोट दिया है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो रेनकोट तो ना कोई प्रोटेक्ट करा ना कुछ करा, बट मज़ा बहुत आ रहा है। और ये देखिए ये हमारी बोट है, ये हमारा कोच गाइड है, और देखो मस्त मज़े ले रहा है बंदा। और बहुत ही ज़्यादा मस्ट विजिट पे ऐसे, अगर कभी भी आप यहाँ पे आए तो फोर लॉन्ग आइलैंड जो होते हैं फीफी आइलैंड, उसमें कवर होता है, स्पीड बोट से ज़रूर वो करें। ये लोग इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हैं। हमने जो किया है बुक वो लव अंडमान करके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है लव अंडमान, तो हमने ये लव अंडमान करके कंपनी है वहाँ से किया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी देती है, स्नॉर्कलिंग वगैरह अच्छी तरह सब चीज़ गाइड करते हैं ये लोग, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अंदर बोट के अंदर भी रहती है कि मतलब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और कुछ भी नहीं। दे आर वेरी हेल्पिंग एंड रियली लव देम। हे गाइस मैं जब वहाँ गया था फीफी आइलैंड, उससे वहाँ से आने के बाद मैं सो गया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, और आते ही पहले तो मैं पूल पे गया, पूल में मैं नहाया थोड़ा सा, क्योंकि बीच से आए थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिट्टी वगैरह रहती है, तो इसलिए मैं पूल में नहाया आराम से। उसके बाद मैं ऊपर रूम में आया, अपने कुछ खाया और मैं तुरंत सो गया, हमें कुछ नहीं दिखा, और काफ़ी अच्छा रहा। फीफी आइलैंड मस्ट विजिट प्लेस है। अभी आप यहाँ आए तो स्पीड बोट से जाएं, और 4 आइलैंड होते हैं फीफी आइलैंड के आसपास, वो चारों विज़िट करें। परसों हमारा लॉन्ग टेल बोट जो होती है
वो पोडा आइलैंड क्रैबी में जो है वो पूरा विजिट कराएंगे, पर मुझे नहीं लग रहा, वो थोड़ा डाइसी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हैवी रेन्स का अलर्ट हो चुका है। तो देखते हैं क्या करना है। बाकी कल हमारा फुकेट सिटी टूर है और साथ में बिग बुद्धा टेम्पल जो यहाँ का फेमस टेम्पल है वह वहाँ जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ब्लॉग अभी एंड कर रहा हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।